अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल अवेयर यूनिवर्स में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है MTV प्रेजेंटर लेकर ने इस्लाम कैसे कबूल किया इंस्पायर्ड होकर इमरान खान से, तो देखते हैं इसमें क्या बताते। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। ये 1992 की बात है जब मैं अपने करियर के उरूज पर थी। उस वक्त अगर कोई मुझे ये कहता कि तुम एक दिन इस्लाम कबूल कर लोगी तो मैं हरगिज उसकी बात का यकीन ना करती। मैं उस वक्त मजहब से बिल्कुल खाली जिंदगी बसर कर रही थी। इस्लाम तो बहुत दूर की बात है। ये अल्फाज हैं MTV के प्रेजेंटर क्रिस्टीन बेकर के। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप नो मुस्लिम की स्टोरीज देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की नो मुस्लिम की स्टोरीज लाते रहते हैं। क्रिस्टीन बेकर जर्मनी में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी और वहीं तालीम हासिल की, और फिर बड़ी हुई तो यूरोप में MTV के प्रेजेंटर के तौर पर जॉब स्टार्ट कर दी। वो एक ऐसे माहौल में काम कर रही थी जो रोशनियों, ग्लैमर और एक्शन से भरा हुआ था। हर चीज थी लेकिन रूहानियत नहीं थी। लेकिन अल्लाह के तो काम करने के अपने ही तरीके होते हैं, वो जानता है कि कैसे करने हैं। उसके पास वो सब कुछ था जिसका एक आम मगरबी नौजवान ख्वाब देखता है। वो रॉक स्टार का इंटरव्यू करती, अपनी टीम के साथ जहाँ भी जाती उसको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता, VIP पार्टीज करती, बहुत मशहूर लोगों के साथ उठती बैठती, उनसे बातचीत करती और इस बात को अपने लिए बहुत बड़ा एजाज समझती। लेकिन जब वो अपने होटल के कमरे में वापिस आती तो तन्हाई महसूस करती। उन दिनों वो बहुत उदास रहने लगी थी। एक इंटरव्यू में बताती हैं, एक शो की मेजबानी के लिए मैं बेल्जियम जाते हुए इतना उदास थी कि मैंने सोचा अगर हवाई जहाज गिर भी जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं। इनकी जिंदगी का ये दौर बहुत उदासी और अदमे इत्मीनान का था। इसी दौरान इस्लाम से इनका तारुफ हुआ। ये इस्लाम से उसका तारुफ किसी लंबे दाढ़े वाले इमाम साहब से नहीं हुआ, बल्कि अपने जमाने के बेहतरीन और सारी दुनिया में जान पहचान रखने वाले एक पाकिस्तानी खिलाड़ी इमरान खान से हुआ। ये 1992 की बात है जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद सारी दुनिया पाकिस्तान और इमरान खान के नाम से वाकिफ हो गई थी। क्रिस्टीन बताती हैं कि मेरी पहली मुलाकात इमरान खान से एक तकरीब में हुई। वहाँ पर बहुत से मुल्कों के क्रिकेटर्स, एक्टर्स और बहुत सी और मशहूर मारूफ शख्सियात मौजूद थी। उसने MTV प्रेजेंटर की हैसियत से इमरान खान से बातचीत की। वो कहती हैं कि हम एक ग्रुप की शक्ल में बैठे हुए थे कि फलसफे पर बात होने लगी। इमरान खान ने इस्लामी इकदार पर बात की और मगरिब के इखलाकी इकदार को चैलेंज किया। उसने हमसे एक मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे कि जैसे जिंदगी का मकसद क्या है, हम इस जमीन पर क्यों आए हैं। वहाँ सभी लोगों को इन सवालों के जवाब नहीं आए। मैंने इससे पहले इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। My name is Christiana Bakker and yes, I took a long journey. I used to be a presenter interviewing rock stars, hosting music shows on MTV Europe. And by the grace of God, I became a Muslim a few years later. And found myself in Mecca, alhamdulillah. वो मजीद बताती हैं, इमरान खान की एक बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया, इसलिए नहीं कि वो अपनी क्रिकेट टीम का कप्तान है और एक बड़ा खिलाड़ी है, और इसलिए भी नहीं कि शायद दुनिया में चंद मशहूर मारूफ शख्सियात में से एक है, बल्कि इसलिए कि वो अपने मुल्क में एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, ऐसा हॉस्पिटल जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज हो। ये यकीनन बहुत बड़ा ख्वाब है जो कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क भी अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान तो उस वक्त तरक्की में बहुत पीछे था। इस तकरीब के बाद उसकी इमरान खान से दोबारा भी एक दो जगहों पर मुलाकात हुई। कहती हैं कि उन्होंने रूहानियत पर काफी बातें की और बताया कि हकीकत यह है कि हम दिमाग, जिस्म और रूह के साथ बनाए गए हैं। हमारी रूह को जिस्म की तरह परवरिश की जरूरत होती है। वो कहती हैं कि इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि मेरे पास रूह भी है, इसीलिए मैं अपनी रूह को नजरअंदाज किए जा रही थी। रूहानियत पर क्रिस्टीन की बढ़ती हुई दिलचस्पी को देखते हुए इमरान खान ने इसे बाद में कुछ इस्लामिक किताबों का तोहफा भी दिया। इनमें मौजूद एक किताब जिसका नाम इंसान और इस्लाम था, वो क्रिस्टीन के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ गई।
और इस्लामी अकायद इसको समझ में आने लगे कि अल्लाह एक है जो कायनात का रब है, और ये भी कि अल्लाह बहुत ताकतवर है, वो बहुत माफ़ करने वाला है। इससे पहले वो इसके बारे में नहीं जानती थी। वो कहती है कि ये किताब पढ़ते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे दुनिया में कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ना शोहरत, ना पैसा, ना कॉन्टैक्ट्स, बस सिर्फ खुदा पर ईमान लाना ज़रूरी है। फिर 3 साल की रिसर्च के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और फिर इसके बाद इन्होंने अपने सर को ढकना शुरू कर दिया और अपने स्कर्ट को पांव तक कर लिया। फिर वो उम्रे की अदायगी के लिए भी गई, और इसके बाद अपने इस रूहानी सफर पर एक किताब तहरीर की जिसका नाम है फ्रॉम MTV टू मक्का। प्यारे दोस्तों, ये थी क्रिस्टीन बेकर, जिन्होंने अपने इस दुनिया में होने के मकसद को जाना और अपने खालिक को पहचाना। इसके बाद इन्होंने इस दुनिया के चकाचौंध भरी दुनिया को छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लिया। तो दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं एक ऐसे अंग्रेज का वाकया जो इस्लामी मुल्क को घूमने आता है और वहाँ के मुसलमान में ऐसा क्या देखता है कि वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाता है। और आपको बता दें कि ये वाकया मौलाना सलाहुद्दीन सैफी नक्शबंदी ने बयान किया है। यूरोप का एक अंग्रेज गोरा बगदाद पहुँचा। उस जमाने का बगदाद, जब वहाँ इस्लाम का सिक्का चलता था, इस्लाम उड़ा जाता था, इस्लाम बिछाया जाता था, इस्लाम सबकी जिंदगियों में था। उसने सोचा कि मैं देखूं मुसलमान कैसे होते हैं, इस्लाम कैसा होता है और इस्लाम इनको क्या सिखाता है। घूमता रहा, विजिट करता रहा, लोगों को देखता रहा, उनका अंदाज, चलना फिरना, उठना बैठना, गुफ्तगू करना, लेन देन, ये सब देखता रहा। उसको शेविंग मशीन की जरूरत पेश आई। उस जमाने में अस्तूरा अलग तरह का होता था, उसे वहाँ की जुबान भी नहीं आती थी। एक दुकान पर गया, वो चीज उसने सैंपल दिखाई, जिसका मतलब था कि क्या ये चीज यहाँ पर है। दुकानदार ने कहा, दिखाइए। ये चीज देखकर दुकानदार ने उसको नमूना दिखाया, उसको पसंद आया, कहा प्राइस, तो उसने कीमत बताई, कीमत भी उसको मुनासिब लगी, चीज भी पसंद आई, कहा एक पीस दे दो। उसने कहा सॉरी, सामने वाली दुकान पर सेम कंपनी की सेम प्राइस में वहाँ से जाकर ले लो। ये वहाँ गया और पूछा कि क्या ये चीज है। दुकानदार बोला हाँ है। कहा दिखाओ। वही सेम चीज जो पहले दुकान पर थी और वही कीमत जो पहली दुकान पर थी, उसने ले लिया और ये लेकर वापस पहले वाली दुकान पर आया कि मैं जब आपके पास आया और ये चीज मैंने आपसे मांगी, आपने मुझे दिखाई, तो आपने मुझे बेचा क्यों नहीं, मुझे वहाँ क्यों भेजा, क्या आपके पास स्टॉक में दूसरा पीस नहीं है। दुकानदार ने कहा मेरे गोडाउन में भरा पड़ा है। तो फिर आपने क्यों नहीं बेचा मुझे। असल में सुबह से अब तक मेरे यहाँ कई कस्टमर आ चुके हैं, मेरी बोनी हो चुकी है, लेकिन मैं उसको देख रहा हूँ कि वो बंदा, उसके पास अब तक कोई कस्टमर नहीं आया। अगर आज वो ऐसे ही बैठा रहेगा तो आज उसका चूल्हा ठंडा रहेगा, आज उसके बच्चे भूखे सोएंगे। मैंने सोचा एक कस्टमर मैं उसको भी डाइवर्ट कर दूँ, उधर भी भेज दूँ, ताकि उसकी भी बोनी हो जाए। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग ऐसे एक दूसरे के खैर ख्वाह होते हैं, इनके यहाँ कंपटीशन ही नहीं है, ये आपस में इशारे करके दूसरे ग्राहक को बुलाते भी नहीं, ये ऐसे खैरख्वाह हैं, अपने कस्टमर को, अपने हिस्से के आदमी को दूसरे को दे देते हैं। वो शख्स बड़ा मुतासिर हुआ। उसके बाद वो चलता रहा, घूमता रहा, उसे भूख लगी, वो एक होटल में गया, खैर उसने ऑर्डर दिया और बैठ गया। फिर डिश आई, उसने खाना शुरू किया। उसके सामने पहले से ही एक नौजवान बच्चा खा रहा था, तो जब उसने खाना शुरू किया तो वह नौजवान बच्चा उसको देखता, और जब उसकी नज़र ऊपर उठती तो वह नौजवान अपनी नज़र नीचे कर लेता। खैर वो पहले से खा रहा था, खाकर फारिग होकर चला गया। जब वो खाकर हाथ धोकर अपना बिल पे करने के लिए काउंटर पर गया तो काउंटर वाले ने कहा सॉरी, आपका बिल पे ऑफ हो चुका है, आपका बिल किसी ने पे कर दिया है। कहा किसने पे किया। वही नौजवान जो आपके सामने बैठा था, उसी ने किया। अंग्रेज ने बोला तो वो मेरा क्या लगता है। कहा वो आपका लगता तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसने मुझसे आकर एक बात कही कि ये आदमी इस मुल्क का मालूम नहीं होता, ये मेहमान है और मेहमान के इस्लाम में मेहमानदारी करना फजीलत रखता है, लिहाजा इस आदमी की मेहमानदारी मेरे जिम्मे है, क्योंकि मैं आज खुद होटल में खा रहा हूँ, घर पर नहीं हूँ, लिहाजा मैं कहाँ इसकी मेहमान नवाजी करूँ, यही होटल में ही मेहमान नवाजी करता हूँ, मेरी तरफ से इसकी दावत है, इसका बिल कितना है मैं पे करके जाता हूँ, उससे पैसे मत लेना। वो बड़ा मुतासिर हुआ, वो किधर को गया, मैं उसको थैंक यू और शुक्रिया कहना चाहता हूँ। वो बोला नहीं नहीं, वो चला गया, मुझे भी पता नहीं किधर गया। उसने कहा अगर इस्लाम ये सिखाता है और मुसलमान ऐसे होते हैं जैसा कि मैं देख रहा हूँ, तो प्लीज मुझे बताइए इस्लाम कैसे एक्सेप्ट किया जाता है,
इस्लाम कैसे कबूल किया जाता है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। खड़े खड़े वहीं काउंटर वाले के हाथ पर उस अंग्रेज शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, मैं इस वीडियो को देखने वालों से एक सवाल पूछता हूँ कि क्या हमारा भी अखलाक इस तरह का है जिस तरह का उस दुकानदार का था, जिस तरह का उस नौजवान बच्चे का था? नहीं ना। अगर हमारा अखलाक भी इस तरह का हो तो ना जाने कितने गैर मुस्लिम हमारे अखलाक को देखकर दायरा इस्लाम में आ जाएं। तो दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह सुबहान व तआला से दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे अखलाक अता फरमाए कि हमारी जात से भी लोगों की जिंदगियों में इस्लाम आ जाए। आमीन। तो सच में कितनी अच्छी वीडियो लगी। पहले तो दिखा रखा था कि पॉपुलर एमटीवी क्रिश्चियन ने किस तरीके से इस्लाम कबूल किया इमरान खान से इंस्पायर होकर। पहले तो वो क्रिश्चियन थे, लेकिन जब वह मतलब इमरान खान से मिली तो उन्होंने उसको बुक दी कुरान की, और उसमें से कई ऐसे बुक थी, तो उसमें से एक बुक थी जिसका नाम था इस्लाम और इंसान, इस टाइप का नाम था। तो वह उस बुक को पढ़ने लगी, जिसकी वजह से वो इंस्पायर हुई और इस्लाम को जानने लगी और उसकी बातों को ध्यान से पढ़ने लगी और फिर उसका जांच करने लगी। कुछ महीने तक उसके बारे में रिसर्च करने लगी, जिसकी वजह से वह पूरी तरीके से अच्छे से जान गए और जिसकी वजह से उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और सेकंड पार्ट में दिखाया है कि एक फॉरेन लड़का इस्लाम कंट्री में जाता है कि किस तरीके से वह पहले दुकानदार के पास जाता है। वह दुकानदार इस मतलब मुस्लिम था, तो वह दुकानदार से कोई सामान लेने जाता है तो दुकानदार के पास वो सामान रहता है, लेकिन वो दुकानदार उस इंसान को, फॉरेन इंसान को जो अंग्रेज था, उसको देने से मना कर देता, बोलता है कि तुम उस सामने वाली दुकान पर जाके ले लो, वहाँ पर वो सामान मिलेगा। तो वह उस दुकान से सामान लिया, तो फिर वह दोबारा उस दुकान में गया, तो उसने उस दुकान वाले से पूछा कि आपने मुझे उस दुकान में क्यों भेजा, आपके पास क्या ये सामान नहीं था? तो उस व्यक्ति ने कहा मेरे पास ऐसे पूरी भरी हुई है, तो फिर आपने फिर सामान मुझे ना देकर उस दुकानदार के पास क्यों भेज दिया? तो उसने बोला कि मेरी बोनी सुबह से बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ग्राहक आ चुके, लेकिन उस सामने दुकानदार वाले के पास एक भी ग्राहक नहीं आए, जिसकी वजह से उसको कोई बोनी नहीं, उसको कोई पैसे कमाई नहीं, जिसकी वजह से उसको घर पे पैसे क्या लग जाएगा, भूखे रह जाएंगे उसके बीवी बच्चे, जिसकी वजह से वह इंसान सोचे पड़ेगा कि यहाँ के लोग कैसे आपसे प्यार बनाए रखते हैं और एक दूसरे के लिए मतलब कि कंपटीशन नहीं है वहाँ पे, बस एक दूसरे के लिए प्यार है कि इज्जत कितना रखते हैं और मतलब कितनी फीलिंग है उनके दिल में, जिसकी वजह से वो इंसान इंस्पायर हुआ। और फिर वह एक होटल में गया, उस होटल में एक बच्चा वो खाना खा रहा था और वह इंसान भी खाना खा रहा था, तो फिर जब वह खाना खा लिया तो फिर जब वह पे करने गया मैनेजर को पैसे, तो वह देखा कि उसने किसी ने उसके पैसे पे कर दिए, तो वह हैरान हो गया। तो उसने पूछा किसने पे किया, तो उन्होंने बोला जो लड़का गया है बच्चा उसने पे किया। तो उसने बोला उसने ऐसा क्यों किया, उसने बताया कि जो आप है वो हमारे मुल्क में न्यू है, हमारे मुल्क के नहीं लगते हैं, तो वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए आपको के लिए पे किया, जिसकी वजह से वह सोचने लग गया कि सोचने लगा पहले दुकानदार का दिल कितना अच्छा था, फिर यहाँ पे आके होटल में इनका पता चला, तो काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ, जिसकी वजह से उसने वहीं पे इस्लाम कबूल कर लिया। तो सच में बहुत ही अच्छी, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जा कितना ही अच्छा लगा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो देख के क्या लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।